हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में कर रहे होंगे। आपके लिए एक नया लेसन इंडिया एंड द वर्ल्ड, कुछ पार्ट्स इसमें वर्ल्ड का भी है, जैसे कि होली रोमन एम्पायर क्या था, वसल्स कौन थे, फ्यूडलिज्म क्या है, इस तरह की चीज़ें, डार्क एजेस जो काला युग कहा जाता है यूरोप में, उससे रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड है, और आधा पोर्शन जो है इसमें वो इंडिया से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड। सबसे पहली बात जो है कि मिडाइबल का क्या मीनिंग है, कि मिडाइबल इंडिया का पार्ट है, लेकिन हम जब तक मिडाइबल का ही मीनिंग नहीं समझेंगे तो हम थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है ये मिडाइबल एज। मैं आपको बताता हूँ, द वर्ड मिडाइबल मीन्स मिडिल एजेस, मध्यकालीन युग जिसको कहा जाता है। 8th सेंचुरी एडी मीन्स 800 एडी टू 18th सेंचुरी एडी 1800 एडी, ये जो पीरियड है 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी, ये इसके बीच का जो पीरियड है उसको कहा जाता है मिडाइबल पीरियड, मध्यकालीन युग। अब एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ, कैलिफ का मीनिंग होता है वाइस रिजेंट, उप प्रतिनिधि और सक्सेसर, उत्तराधिकारी। राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र वन जो था वो अज्यूम्ड किया था टाइटल कौन सा, गंगई कोंडा चोला। कोंडा जहाँ भी मीनिंग आपको दिखे, कोंडा, ये खासकर आपको साउथ में देखने को मिलेगा, कोंडा का मीनिंग होता है द चोला कंकरर ऑफ गंगा। इसने जो टाइटल अज्यूम किया था वो कौन सा है, गंगई कोंडा। अर्ली एविडेंसेस वर फाउंड ऑन द बर्च बार्क, जो बर्च की छाल होती थी उस पे एविडेंसेस पाए गए, एंड पाम लीव्स। इंस्क्रिप्शंस विच वर रिटन ऑन द कॉपर प्लेट आर स्टोन, इंस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है अभिलेख। जो अभिलेख लिखे गए थे किस पे, कॉपर प्लेट पे और स्टोन, पत्थरों पे। फ्रॉम 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो पेपर का खोज हुआ था या लोगों ने किस शताब्दी से पेपर पे लिखना स्टार्ट किया था, तो आप आंसर देंगे 13th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, दैट इज 1300 AD, जिसको बोलते हैं आप ईस्वी। 1300 ईस्वी से पेपर्स पे लिखना शुरू हो गया था, और पेपर को खोजा किसने था, चाइना। सबसे पहले जो पेपर की डिस्कवरी हुई थी और लिखना शुरुआत हुआ था वो हुआ था चाइना में। मिडाइबल में दो डिवीज़न है, एक अर्ली मिडाइबल पीरियड, दूसरा लेटर मिडाइबल पीरियड। अर्ली मिडाइबल पीरियड था 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी AD, लेटर मिडाइबल पीरियड था 13th सेंचुरी AD टू 18th सेंचुरी AD। इस समय अर्ली मिडाइबल पीरियड में जो लोग रूल किए, जो किंग्स, वो कौन कौन से थे, प्रतिहार, पाल, पालाज एंड रास्कुटाज, ये जो किंग्स थे अर्ली मिडाइबल पीरियड में शासन किए। जो सेकेंड पार्ट है लेटर मिडाइबल पीरियड, 13th सेंचुरी AD टू 18th सेंचुरी AD, उसमें कौन कौन से रूल आते हैं, रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, द बहमनी किंगडम, विजयनगरा किंगडम एंड द मुगल एम्पायर। इतने एम्पायर जो थे इन लोगों ने लेटर मिडाइबल पीरियड में इंडिया पे रूल किया। अब सवाल ये आता है कि होली रोमन एम्पायर, ये आप हिस्ट्री की बुक्स में जब आप NCERT और एडवांस बुक पढ़ेंगे तो होली रोमन एम्पायर टर्म जरूर आएगा आपको। यूरोप में होली रोमन एम्पायर क्या है, इन द 10th सेंचुरी AD, 10वीं शताब्दी ईस्वी में एन एम्पायर कंसिस्टिंग ऑफ जर्मनी, इटली जिसमें रोम भी है,
एंड पर्पल स्टेट भी है इटली का, एंड अ फ्यू अदर एरियाज वॉज क्रिएटेड एंड कॉल्ड द होली रोमन एम्पायर। ये अपने आप को कहते थे कि वी आर होली, दैट्स वाई इस जो एम्पायर का नाम पड़ा वो होली रोमन एम्पायर पड़ा। वसल्स, वसल्स का मतलब होता है, वसल्स का मतलब होता है हिंदी में जागीरदार, जिसके पास स्टेट हो, रियल स्टेट जो होता है जागीर, जिसके पास स्टेट हो उसको हम वसल्स कहते थे, जागीरदार। वसल्स कौन लोग होते थे यूरोप में, इसका इस टर्म का यूज किया जाता था वसल्स का। द पीजेंट्स देयर फोर वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स आर द पर्सन्स टू हुम लैंड हैड बीन गिवन हु वर आल्सो नोन एज वसल्स। इसका अगर हायरार्की देखें हम तो पहले किंग हुआ, किंग के बाद आया आपका फ्यूडल लॉर्ड, ये मोर पावरफुल होता था किससे, वसल्स से। इसके नीचे आए वसल, ये जितना इसको लैंड जो है ग्रांट की गई इसने ट्रांसफ़र किया वसल को। अब वसल्स ने इस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया किसको, पीजेंट्स को। लेकिन ये जो पीजेंट्स होते थे ये स्लेव नहीं होते थे, ये गुलाम नहीं होते थे, किनके, वसल्स के। बट दे वर नॉट स्लेव्स एंड वर नॉट ओन्ड बाई द वसल्स, ये उनके गुलाम नहीं होते थे। पीजेंट से भी नीचे होता था सर्फडम। पीजेंट से भी नीचे अगर मैं बात करूं तो यूरोप में सर्फडम होता था, गुलामी गिरी। और ये सर्फडम क्या करते थे, लेबर होते थे, जो पीजेंट्स को जमीन वसल्स से मिलती थी उस पर काम कौन करता था, ये सर्फडम। पीजेंट्स के साथ साथ सर्फडम के लोग जो लेबरर थे वो लोग काम करते थे। मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर सर्फ, गुलाम थे, गुलाम लेबरर, हु वर्क ऑन द लैंड ऑफ वसल्स, ये वसल्स के लैंड पे काम करते थे। फ्यूडलिज्म का क्या मीनिंग है, फ्यूडलिज्म का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो सामंतवाद कहते हैं इसको। फ्यूडम शब्द से आया है फ्यूडलिज्म। फ्यूडम का मीनिंग है अ पीस ऑफ लैंड विच इज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर सर्विस। ये पीस ऑफ लैंड जो है कि ग्रांटेड, प्रदान की जाती थी इन रिटर्न फॉर सर्विस, सर्विस के बदले में ये जो लैंड होती थी उसको ग्रांट किया जाता था। द मेकिंग ऑफ गन पाउडर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पेपर एंड इन्वेंशन ऑफ द कंपास ऑफ प्रिंटिंग ऑल कम्स फ्रॉम चाइना, ये सभी कहाँ से आया है, चाइना से। गन पाउडर का बनाना, पेपर, कागज, इन्वेंशन ऑफ द कंपास, जिस कंपास से आप डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, और प्रिंटिंग ऑफ, ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब कहाँ से आया है, सबसे पहले चाइना से आया है। एक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्रूसेड, क्रूसेड का क्या मीनिंग है, क्रूसेड का मतलब है सीरीज ऑफ रिलीजियस वार। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पे लूँगा तो क्रूसेड का मीनिंग वहाँ पे डिटेल बताऊँगा आपको, कैसे यूरोपियन पावर्स और जो मुस्लिम पावर थे, मोहम्मदन थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, रिलीजियस वार जो था वो किस लिए होता था, वो क्रूसेड कहलाता था। सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स कॉल्ड द क्रूसेड टू रिकवर देयर होली लैंड। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे क्रूसेड कौन लोग किए थे, जो इसराइल के लोग हैं, इसराइल के लोगों ने क्रूसेड किया था, कहाँ पे, ये जेरूसलम, जेरूसलम जो प्लेस है, कैपिटल है अभी प्रेजेंट टाइम में इसराइल कंट्री का, उस प्लेस के लिए इन्होंने सीरीज ऑफ वार लड़े थे, रिलीजियस वार, कि ये हमारी हिस्टोरिक लैंड है, यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे, इसलिए हम अपनी लैंड को रिकवर करेंगे किसी भी कीमत पे। आज भी यहाँ पे लड़ाई चल रही है, आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन में ये मामला चला गया है, यूनाइटेड नेशन में टू स्टेट सोल्यूशन वन स्टेट सोल्यूशन की आप बात न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे। और इजराइल से जितनी बार ये मुस्लिम लोगों ने लड़ाई की है, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं जैसे इजिप्ट हो गया, इराक हो गया,
सीरिया हो गया और आपके जो भी हैं, तो इन लोगों ने जितनी बार लड़ाई लड़ी है उसमें विजेता हमेशा इसराइल रहा है, क्योंकि इसके पास स्टेट ऑफ आर्ट वेपन जो अत्याधुनिक वेपन थे वो थे और टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस था, इसलिए हमेशा विजय जो हुई है अभी तक के युद्ध में वो इसराइल की हुई है। किंगडम ऑफ द साउथ, अब साउथ साम्राज्य की मैं बात करूंगा, इसका टाइम पीरियड है 800 टू 1200 एडी। द चोला किंग्स, चोला किंग्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। इसका टाइम पीरियड सिरका 846 टू 871 एग्जैक्ट। फाउंडर कौन था चोला किंग का? विजयपाला। ये जो विजयपाल थे ये फाउंडर थे किसके? चोला किंगडम के। टुक द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडम। कोंडा जहां शब्द आएगा, मैंने कहा कि उसका मतलब होता है कॉन्करर, जो जीता हो, विजयी हो। मदुरई कोंडन, ये किस पे विजय हासिल किया था? मदुरई पे। मदुरई में किसका शासन था? पंड्या, चेरा चोला पंड्या। आपने तीन जो साउथ के किंगडम्स थे उनके बारे में सुन रखा होगा, ये मदुरई उनका सेंटर था, कैपिटल था किनका? पंड्या लोगों का। वहां पे ये विजय हासिल किया था विजयपाला, और इसने टाइटल अज्यूम किया मदुरई कोंडम, द कॉन्करर ऑफ मदुरई। इसके किंगडम का कैसा स्ट्रक्चर था? ये किंगडम ऑफ चोला हो गया, इसके नीचे होता था मंडलम, देन उसके नीचे वलंदूस, देन उसके नीचे नंबर ऑफ विलेजेस। पावरफुल सबसे अधिक कौन था? किंगडम ऑफ चोला जो किंग था उसका, देन मंडलम के जो चीफ थे, वलंदूस के जो चीफ थे, और देन इस सबसे नीचे नंबर ऑफ विलेजेस के जो चीफ हेड होते थे वो। पावरफुल ऐसा है। अगेन, चोला की कैपिटल कौन कौन थी? चोला की एक कैपिटल नहीं थी, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये पूछा जा सकता है कि चोला की कैपिटल कौन कौन सी थी? तंजोर, कांचीपुरम एंड गंगईकोंडा चोलापुरम। ये तीन किंगडम थी किसकी? तीन कैपिटल थी चोला की। अगेन, डार्क एजेस, काला युग यूरोप में किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? अ टर्म कॉमनली यूज टू डिनोट द पीरियड इन वेस्टर्न यूरोप हिस्ट्री विच बिगन रफली विद द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन एडी 476। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ, वो गिर गया, पतन हो गया उसका, उसके बाद से जो यूरोप में समय स्टार्ट हुआ, एंड कब तक? लास्टेड अंटिल द 11th सेंचुरी। और ये 11th सेंचुरी तक, मीन्स 476 एडी से लेकर अप टू 11th सेंचुरी एडी, इसके बीच का जो पीरियड है ये कहलाता है डार्क एजेस, काला युग इन यूरोप। क्योंकि इस समय जो यूरोप में लोगों की समस्याएं थी वो और बढ़ गई थी, पोप पादरी इन लोगों का जो अत्याचार था कॉमन पीपल पे वो और बढ़ गया, और काफ़ी ये डोमिनेंट हो गए वहाँ पे। इस तरह से इसको यूरोप में काला युग कहा जाता है। ये टाइम पीरियड आप मार्क करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एडी 476 टू 11th सेंचुरी एडी। द विलेजर्स हैड अ विलेज असेंबली आर काउंसिल नोन एज द ऊर आर सभा। इम्पॉर्टेंट, ऊर अगर पूछता है आपसे कि ऊर क्या था, तो ऊर को आप कहेंगे वो सभा, उसका दूसरा नाम था। विलेजर्स, विलेज असेंबली, जो गांव के लोग थे वो एक जगह पे कलेक्ट होते थे विलेज असेंबली के रूप में, काउंसिल के रूप में, और उसको कहा जाता था ऊर आर सभा। मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है अभिलेख। जो बहुत सारे अभिलेख हैं ऑफ चोला किंगडम वर रिटन इन संस्कृत एंड तमिल, ये दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। जो अभिलेख हैं चोला किंगडम के वो संस्कृत में भी लिखा गया था, ऐसा नहीं कि ये साउथ इंडियन के रूलर थे चोला तो केवल तमिल में ही बात होगी, ऐसा नहीं था। दोनों में, तमिल और संस्कृत दोनों में इसके अभिलेख लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको।
थ्री जेवल्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, तीन रत्न कन्नड़ लिटरेचर के कौन कौन से हैं, पंपा, पन्ना एंड रन्ना। ये तीन जो जेवल्स हैं, तीन रत्न हैं किसके, कन्नड़ लिटरेचर के। इसको आप याद करेंगे PPR की निमोनिक्स से, पंपा, पन्ना, रन्ना। लिंगायत, पुट 5 स्टार हियर। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है अगर हिस्ट्री के मिडाइबल इंडिया से क्वेश्चन बनता है तो। क्यों? क्योंकि ये अभी न्यूज़ में था, और लिंगायत वो लोग हैं जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये ब्राह्मणिकल सोशल आर्डर जो समाज में है, समाज में था उस समय, उसके विरोधी हैं। और आज भी ये लिंगायत साउथ इंडिया में डोमिनेट करता है, और इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, बसावा। ये जो बसावा थे ये इसके फाउंडर थे लिंगायत के, और इनके जो रिलीजियस टीचर होते थे लिंगायत समूह के, वो क्या करते थे, प्रीच करते थे लोगों को, किस किस भाषा में, लोकल भाषा में, दैट इज कन्नड़ में। अब दो फिलासफर, शंकरा एंड रामानुजा, दो फिलासफर हुए इम्पॉर्टेंट। इनकी जो फिलासफी है वो एग्जाम में पूछी जाती है। फिलासफी इज नोन एज द सिस्टम ऑफ अद्वैत, अद्वैत आर यूनिकनेस आर अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे आप शंकरा को टिक करेंगे। एंड रामानुजा जो थे वो विश्वास करते थे वन कुड मीट द गॉड विद भक्ति, डिवोशन एंड लव। भक्ति से, गॉड से मिला जा सकता है, ये किसका स्टेटमेंट था, किसकी फिलासफी थी, रामानुज की। और शंकरा की जो फिलासफी थी वो थी अद्वैतवाद। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। शंकराज फिलासफी इज कॉल्ड अद्वैतवाद, द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म आर यूनिकनेस। साइंटिफिक फ्रंटियर की अगर मैं बात करूं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है साइंटिफिक फ्रंटियर, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। साइंटिफिक फ्रंटियर कहां से कहां कहा जाता है, द एरिया अप टू हिंदू कुश, जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, एंड कंधार, इसके बीच का जो एरिया है उसको हम साइंटिफिक फ्रंटियर कहते हैं। जो शंकरा ग्रुप के लोग थे वो क्या कहते थे, वो भरोसा करते थे दैट वन कुड अचीव द गॉड ओनली बाय नॉलेज। ये नॉलेज में, जिसको नॉलेज हो वो गॉड से मिल सकता है। ये शंकर की जो अद्वैतवाद फिलासफी थी उसमें ऐसा बताया गया था। किंगडम ऑफ नॉर्थ, साउथ मिडाइबल पीरियड्स में कंप्लीट होता है, नाउ किंगडम ऑफ नॉर्थ, AD 800 टू 1200। गोपाला, ये गोपाला जो किंग था काफ़ी फेमस था, ये गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनास्टी। जो पाला डायनास्टी थी उसका फाउंडर कौन था, गोपाला, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाला डायनास्टी, गोपाला। किंग भोज के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। किंग भोज प्रतिहार डायनास्टी के काफ़ी शक्तिशाली रूलर थे। इन्होंने टाइटल जो अज्यूम किया था वो एक गुड वॉरियर थे, और टाइटल अज्यूम किया था आदिवरा। ये मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आदिवरा। नेक्स्ट, ही वॉज द फॉलोवर ऑफ वैष्णिज्म। ये किसके फॉलोवर थे, जो किंग भोज थे वो वैष्णविज्म, लॉर्ड विष्णु के फॉलोवर थे भोज। जो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है वो कहाँ पे है, हौज खास दिल्ली में, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। राजपूत हु बिलोंग्स टू अग्निकुला, ऐसे राजपूत रूलर जो अग्निकुला से बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें चार ही राजपूत रूलर हैं जो अग्निकुला से बिलोंग करते हैं, वो हैं प्रतिहार आर परिहार,
चौहान आर चहमनास, सोलंकी आर चालुक्या, पवार आर परमारा। इसको याद कैसे रखेंगे आप निमोनिक से, PCSP, परिहार, चौहान, सोलंकी एंड पवार, ये चारों क्या हैं, वो राजपूत हैं जो अग्निकुला से ताल्लुक रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश था जो कि स्लैब था। अलाउद्दीन खलजी के पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, और अलाउद्दीन खलजी क्या करता था, इसने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम आर दाग सिस्टम। दाग सिस्टम क्या था, दाग सिस्टम ये था कि जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था वहाँ पे घोड़ों की नंबरिंग की जाती थी, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया और टर्की के घोड़े होते थे वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के घोड़े होते थे, और वैसे घोड़े हॉर्सेस जो होते थे वो कहीं पे नहीं मिलते थे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। तो इस डर से कि कहीं कोई सोल्जर जिसको घोड़ा अलाट किया गया है वो इस मजबूत हॉर्स को सेल करके पैसा कमा करके कोई वीक घोड़ा जो है कि इसमें इंट्रोड्यूस ना कर दे यहाँ पे, जहाँ पे सभी इकट्ठा होते थे, इसलिए इस डर से दाग सिस्टम या नंबरिंग सिस्टम, ब्रांडिंग सिस्टम की गई थी ताकि वो पहचान में आ जाए और वो ऐसा ना कर सके। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था दाग सिस्टम, अलाउद्दीन खलजी ने। इसके पास, अलाउद्दीन खलजी के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, जैसे अभी चाइना के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, वैसे ही उस समय मिडाइवल पीरियड में अलाउद्दीन खलजी के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट, तोमर वंश के राजाओं के बारे में आपने सुना होगा। तोमराज बिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली का, दिल्ली की स्थापना किस राजाओं ने की है, ये भी MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये दिल्ली की स्थापना जो है वो तोमर वंश के राजाओं ने किया था। हु कंपोज द बल्लाद, पृथ्वीराज राव। इस बल्लाद का मतलब होता है कथा गीत, ये कौन कंपोज किया था, पृथ्वीराज राव, ये चंद्रबरदाई करके एक लेखक थे जिन्होंने इसको कंपोज किया था, पृथ्वीराज राव, ये आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महमूद आप गजनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महमूद आप गजनी जो था वो केवल प्लंडरर, ये लूटने के उद्देश्य से इंडिया में आया था, उसको इंडिया में रहना नहीं था, वो लूटने के उद्देश्य से कई मंदिरों पर अटैक किया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, यहाँ से बहुत सारा मटेरियल जो था, गोल्ड हो, सिल्वर हो, और पैसे सब कुछ लूट करके ले गया था। पहले युद्ध में तो ये हार गया था, गजनी नहीं हारा, महमूद अब गजनी जो था उसने जीता। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, जो 17 बार जो है कि सोमनाथ टेंपल पे अटैक किया था लूटने के लिए। सोमनाथ टेंपल गुजरात में सिचुएटेड है। एक बार हारा था मोहम्मद गौरी तराइन के बैटल में, और दूसरी बार जीत गया था। महमूद अब गजनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ही वॉज द पैटर्न ऑफ द फेमस पर्सियन पोएट फिरदौसी, हु रोट द इपिक पोएम शाहनामा। आपसे क्या पूछा जाएगा, शाहनामा बुक को किसने लिखा, आपका आंसर होगा फिरदौसी। महमूद आल्सो सेंट द सेंट्रल एशियन स्कॉलर अल बरूनी टू इंडिया। ये जो महमूद अब गजनी था, गजनी एक प्लेस है अफगानिस्तान में, जो महमूद अब गजनी था उसने किसको भेजा था, सेंट्रल एशियन स्कॉलर अल बरूनी को इंडिया में भेजा था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, महमूद किसको भेजा था सेंट्रल एशिया से इंडिया में एज ए स्कॉलर, तो आपका आंसर होगा अल बरूनी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में लड़ा गया, पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज चौहान जिसको आप कहते हैं, इसमें विनर हुआ पृथ्वीराज चौहान, लूजर हुआ मोहम्मद गौरी,
आपको ये डेट सहित और किसके किसके बीच में लड़ा गया और विनर जो हुआ वो पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों युद्ध का आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, एक साल बाद दोबारा मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था और उस समय जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, जो था वो हार गया। अब कुछ बुक्स हैं जो आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बुक्स डांस इन ड्रामा ये इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम और जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं इनमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कथा सरित सागरा अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये किस में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विक्रमनका देव चरिता, ये बिल्हण ने लिखा है, इसके ऑथर कौन है, बिल्हण, विक्रमनका देव। राज तरंगिणी किसने लिखा है, कल्हण ने, इम्पॉर्टेंट है ये बुक्स, आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉर्म इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड वॉज इन हिज इनकारनेशन इज कृष्णा, विष्णु जो मैक्सिमम जिस अवतार में पूजे जाते हैं वो है कृष्णा के फॉर्म में, कृष्णा इज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ऐसा हिंदू मिथोलॉजी में माना जाता है। महमूद गवंस मदरसा कहाँ पे है, महमूद गवंस का जो मदरसा है कहाँ पे है, बिदार में है, ये मदरसा बिदार में है, बिदार जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। हजारा राम टेम्पल हम्पी में है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, कहाँ पे है, हम्पी में हजारा राम टेम्पल। बैटल ऑफ बन्नीहत्ती आर बैटल ऑफ तालीकोटा और बैटल ऑफ रक्ष तंगोली, अगर इस किसी भी नाम से आए एग्जाम में क्वेश्चन, ये तीनों एक ही नाम है, इनको आप याद कर लेंगे, नीचे मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ये बैटल जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था किसके किसके बीच में, विजयनगरा एम्पायर एंड स्मॉल इस्लामिक डेकन सल्तनत्स, जो विजयनगरा एम्पायर थी और जो इस्लामिक डेकन सल्तनत थी, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था ये वार। इसकी डेट आप याद रखेंगे 23 जनवरी 1565, ये 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ बानीहत्ती, कुछ भी कहें आप, इस समय लड़ा गया था विजयनगरा एम्पायर और इस्लामिक डेकन सल्तनत, इन दोनों के बीच में, इस बैटल को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड चीज़ें जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन लेसन्स को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं और इन तक वॉच करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चंस जो होंगे मोस्टली यहीं से बनेंगे। और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस चैनल को दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव ए नाइस डे।